चैप्टर 12 एक्सपोनेंट एंड पावर्स की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 करवा चुके हूं, तो उसका वीडियो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला क्वेश्चन है, 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर माइनस 1 इंटू 2 की पावर 2। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जब हमें वैल्यू फाइंड करना होता है तो हम करते क्या हैं। करना ये होता है कि अगर किसी भी नंबर की पावर माइनस में दी हुई होती है तो सबसे पहले काम ये होता है कि हमें उसको प्लस में करना होता है, तभी हम उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी तो सबसे पहला काम क्या होगा कि इसकी पावर को हमें प्लस करना होगा। प्लस करने के लिए क्या करते हैं, ये अगर माइनस में दिया है तो अपॉन में जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। जब प्लस हो जाएगी तो 3 को जितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करने को कहा गया उतनी टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 3 की पावर 2 है तो 3 का कितने टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 9। तो सबसे यानी कि अगर कोई पावर माइनस में दी गई है तो उसको हम प्लस करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं और बता देता हूँ, जैसे 2 की पावर माइनस 3 एंड 3 की पावर माइनस 4। अब दोनों, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो दोनों को प्लस बनाना है। तो हम क्या करेंगे, अगर ये ऊपर चला जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस 4, और ये नीचे आ जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी प्लस की 3, तो 2 की पावर प्लस 3। तो इंटरचेंज हो गए तो इन दोनों की पावर प्लस में हो गए। अब इनका आसानी से वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। 3 की पावर 0, हाँ एक चीज़ बता दूँ कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। कोई भी नंबर लीजिए, उस 100 ले लीजिए, उसकी पावर अगर 0 हो गई किसी भी तरीके से तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, वहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1। 4 पावर माइनस 1, तो माइनस 1 को जब प्लस होती तो नीचे अपॉन में आएगी, तो 1 अपॉन 4 की पावर प्लस 1 हो जाएगी। इंटू 2 की पावर 2, यानी कि 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स। अगर यहाँ पे 3 होता तो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करते, 3 टाइम्स, लेकिन यहाँ पे 2 है तो अभी हम 2 टाइम्स ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 2 4। अब क्या होगा, देखो 4 का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 का 1 अपॉन 4 से भी, तो 4 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 अपॉन 4। अब 4 से 4 कैंसिल हो गया और यहाँ पे बचा 4 इंटू 1 4 प्लस 1, क्योंकि ये 1 बचा, 4 प्लस 1 यहाँ पे आ गया 5। तो ये हमारा आंसर हो गया, हमने इसको अपॉन में कर लिया और इसका दोनों जगह मल्टीप्लाई कर लिया। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, 2 की पावर माइनस 1 प्लस इंटू 4 की पावर माइनस 1 डिवाइडेड। देखो अगर कोई लिखा है 2 डिवाइडेड 3, इसका मतलब क्या होता है, 2 ऊपर और डिवाइड के बाद जो लिखा होता है उसको नीचे लिखते हैं, 2 अपॉन 3, ये इसको लिख सकते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे देखो डिवाइड डिवाइड के बाद लिखा है 2 की पावर माइनस 2, तो इसको अपॉन में भी लिख सकते हैं, 2 की पावर माइनस 2। अब क्या करेंगे, माइनस का नंबर ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ऊपर का अगर कोई माइनस का नंबर है तो नीचे आएगा वो भी क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये दोनों माइनस के हैं तो इन दोनों को हम नीचे ले आएंगे, तो ये दो प्लस हो जाएंगे, और ये क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 2 की पावर माइनस 2 ऊपर जाएगी तो 2 की पावर प्लस 2। उसी तरह 2 की पावर माइनस 1 नीचे जब आएगी तो 2 की पावर प्लस 1 हो जाएगी। इसी तरह 4 की पावर माइनस 1 नीचे आएगी तो 4 की पावर प्लस 1 हो जाएगी। अब क्या होगा, 2 की पावर प्लस 2 मतलब कि 2 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2, नीचे 2 की पावर 1 मतलब कि 2, और यहाँ पे 4 की पावर 1 तो यानी कि 4। अब कटना चाहे काट ले, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अगर यहाँ पे ये ध्यान रखना, अगर यहाँ पे 2 प्लस 4 होता तो ये इस 2 से 2 कैंसिल नहीं होगा, अगर नंबर मल्टीप्लाई में है तभी वो कैंसिल होंगे, ये ध्यान रखना। देखो यहाँ पे 2 इस 2 मल्टीप्लाई में, ये 2 इसके मल्टीप्लाई में, तो ये कैंसिल होंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब 2 से काटेंगे तो 2 1 2 2 2 4, तो यहाँ पे आ गया 1 अपॉन 2 इसका आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है 1 अपॉन 2 की पावर माइनस 2, 1 अपॉन 2 की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 3 की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 4 की पावर माइनस 2। अब यहाँ पे क्या है, सबकी पावर माइनस है, प्लस करने के लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था कि अगर इनको इंटरचेंज कर दें, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दें तो पावर प्लस से माइनस, माइनस से प्लस हो जाएगी, यानी इंटरचेंज हो जाती है, ठीक है, इसके साइन जो हो अपोजिट हो जाते हैं।
तो हम अगर 2 को ऊपर कर दें और 1 को नीचे कर दें तो माइनस की पावर अब क्या हो जाएगी, प्लस। अगर प्लस की होती तो क्या हो जाती, माइनस। प्प्लस यहाँ पे भी क्या होगा, 3/1, तो इसकी भी पावर क्या हो जाएगी, प्लस 2। ये पहले क्या थी, माइनस, यहाँ पे 4/1 कर दिया यानी कि चेंज कर दिया, तो यहाँ पे भी हो जाएगी प्लस की 2। तो प्लस लिखो या ना लिखो, अब क्या करेंगे, यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी, इसका यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे। तो 2^2/1 3^2/1 4^2/1 तो 1 का चाहे जितने टाइम्स मल्टीप्लाई, 1 का पावर 2 मतलब कि 1 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 1 × 1 1 ही आए, हर जगह नीचे क्या आएगा, 1 ही आएगा। 2^2 यानी कि 4, 3^2 यानी कि 9, 4^2 यानी 16। अब यहाँ पे ऐड करेंगे तो आ जाएगा 16 × 9 कितना होगा, 25 × 4 = 29/1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट जो हमारा है वो है -2^3 - -2। ठीक है, इतनी की पावर -2 थी और यहाँ पे अब इसकी भी, इसकी टोटल पावर इसकी दी गई है 2। तो सबसे पहला काम, इसको हम प्लस बना लेते हैं। ठीक है, तो प्लस बनाने के लिए क्या कहा कि इनको इंटरचेंज, इसको ऊपर कर दो, इसको नीचे, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, अब हो जाएगा 3/-2। ठीक है, तो अब यहाँ पे माइनस की पावर ये क्या हो गई, अब प्लस की पावर, और यहाँ पे ये वाला 2 यहाँ पे जो था वो मैंने लिख लिया। अब क्या होगा, इस 2 का 2 पर मल्टीप्लाई हो, क्योंकि अगर लिखा a की पावर m और उसकी पावर m, तो हमारा जो आंसर आता है a की पावर m इंटू n, यानी कि इन दो पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अगर ये मान लेते a है तो ये m है, ये n, तो a इन की पावर m इंटू n, तो यहाँ से हो जाएगा 3/-2^2 यानी कि 4, तो यानी कि 3/-2^4 आ जाएगा। तो 3^4 मतलब यहाँ पे लिखे दे रहे हैं 3^4 यानी कि 3 × 4 मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे -2 × 4 मल्टीप्लाई, -2 × -2 × -2, तो यहाँ पे 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 × 3 = 81। नीचे माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस 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 प्लस, यानी सभी सेम साइन है, तो जब सेम साइन मल्टीप्लाई होते तो प्लस आता है। सभी देखो सेम, माइनस 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 सब जगह माइनस है, तो सेम साइन क्या होगा, प्लस आ जाएगा। 2^4, 4^8, 8^16, 2^4, 4^8, 8^16, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 81/16।